वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश सब 99। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड के क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। विक्रमादित्य एक भारत के प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा थे जो बहुत ही एक न्याय अच्छा न्याय देते थे। चलिए इस कहानी को हम टेस्ट के माध्यम से समझते हैं। इसको राइट की हैं सिस्टर निवेदिता ने। अबाउट द लेसन, अबाउट का मीन्स बारे में, द लेसन मतलब पाठ के बारे में। द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। राजा विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। फेमस का मीन्स होता है प्रसिद्ध, इंडियन हिस्ट्री का मीन्स होता है भारतीय इतिहास में। नहीं मतलब राजा विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन, वह उज्जैन के राजा थे। आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत के बाद, डेथ का मीन्स होता है मृत। आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत के बाद, हिज पैलेसेस, उनके जो महल थे, प्लेस का मीन्स होता है जगह या स्थान, लेकिन पैलेसेस का मीन्स होता है महल। हिज पैलेसेस, उनके जो महल थे वह रुइंग्ड, बर्बाद हो गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो पैलेस महल थे क्या थे, बर्बाद हो गए थे। द पीपल टुक देयर एनिमल्स टू ग्रेज एट दैट प्लेस। पीपल मतलब लोग, देयर एनिमल्स, लोग अपने जानवरों को ले जाते थे टू ग्रेज, चराने के लिए, दैट प्लेस उस जगह पर। और लोग उस जगह पर अपने जानवर को चरा, अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे। वंस अ चेयर लाइक थिंग्स अपीयर देयर। वंस का मीन्स एक बार, चेयर लाइक थिंग, एक कुर्सी के समान वस्तु, अपीयर देयर वहाँ दिखाई पड़ी। अपीयर का मीन्स होता है दिखाई देना। अ बॉय ऑफ द विलेज, एक गांव का लड़का, सैड ऑन इट, इस पर बैठ जाता था। एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस, स्टार्टेड का मीन्स शुरू कर देता था। प्लेइंग जस्टिस, न्याय के खेल को खेलना क्या कर देता था, शुरू कर देता था। जस्टिस का मीन्स होता है न्याय, और न्याय को खेल खेलना शुरू कर देता था। द किंग रूलिंग द किंगडम एट दैट टाइम थॉट ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर। द किंग मतलब राजा, रूलिंग मतलब शासन कर रहे थे, द किंगडम मतलब राज्य, उस राज्य में जो राजा राज्य कर रहे थे, एट दैट टाइम उस समय जो राजा राज्य कर रहे थे, उस राज्य में राज कर, थॉट ऑफ टेकिंग आउट, यह थॉट का मीन्स सोचे, टेकिंग आउट मतलब लेने के लिए, दैट चेयर उस कुर्सी को, उस कुर्सी को बाहर निकलने के बारे में क्या किए, सोचे। वेन, जब ही वॉन्टेड टू सीट ऑन दैट चेयर, जब वह उस कुर्सी पर बैठना चाहते थे। वांटेड का मीन्स होता है चाहना, सीट का मीन्स होता है बैठना, दैट चेयर उस कुर्सी पर, जब राजा उस कुर्सी पर बैठना चाहते थे। द एंजल्स फ्ली अवे विद इट, एंजल्स का मीन्स होता है देवदूत, और जो देवदूत थे उस पत्थर का जो टीला था, जो कुर्सी था उसमें लगा हुआ था, 25 देवदूत थे, जो जैसे पत्थरों में मूर्तियाँ छोटी छोटी नहीं बनी होती, एक जैसे दुर्गा माँ का बड़ी मूर्ति होती है उसमें छोटी मूर्ति नीचे उनके पैरों के पास बनी होती है, वैसे ही उस पत्थर में 25 देवदूत थे। एंजल्स फ्लू अवे विद इट, एंजल्स का मीन्स जो देवदूत थे, मतलब जो पत्थर, जो चेयर था उसमें 25 देवदूत लगे, मतलब पत्थर के आदमी जैसे बने हुए थे। द एंजल्स फ्लू अवे, एंजल उड़ गए विद इट, इसके साथ, फ्लाई का मीन्स होता है उसका सेकेंड फॉर्म, फ्लू अवे मतलब दूर, विद इट इसके साथ, इट चेयर क्लियर, जो देवदूत से इसके साथ उड़ गए। रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, रीड मतलब पढ़िए, दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस रुचिकर कहानी को पढ़िए, टू नो द डिटेल्स, और विस्तार को जानिए। डिटेल्स का मीन्स होता है विस्तार, और नो का मीन्स होता है जाना, और विस्तार से क्या करिए, जानिए। वी आर ऑल फेमियर, हम सभी परिचित हैं विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से क्या हैं, परिचित हैं। फेमिलियर का मीन्स होता है परिचित, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिर रेन, उनका शासन, हैज बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, उनका शासन हमारे देश के इतिहास में क्या है, प्रसिद्ध है। हिस्ट्री का मीन्स होता है इतिहास, कंट्री का मीन्स होता है देश, और रेन का मीन्स होता है शासन, लैंडमार्क का मीन्स होता है भूम, उनका शासन हमारे भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। द विक्रम संवत, विक्रम संवत, ओज मतलब होता है श्रेय, इट्स ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति का, टू हिम, विक्रम संवत की उत्पत्ति का श्रेय उन्हीं को जाता है। ओज का मतलब होता है श्रेय या रिडी, ओरिजिन का मीन्स होता है उत्पत्ति, टू हिम मतलब उन्हीं, मतलब विक्रम संवत जो कैलेंडर है उसका जो उत्पत्ति है
वो किसको जाता है? विक्रमादित्य को जाता है। आल्दो यद्यपि हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। सो फेमस का मीन्स होता है बहुत प्रसिद्ध, आल्दो का मीन्स होता है यद्यपि, यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, यह विचित्र बात है या अजीब बात है, दैट की वी आर हार्डली नो, हम मुश्किल से जानते हैं एनी थिंग, मतलब कुछ डेफिनेट निश्चित अबाउट हिज लाइफ। लेकिन यह अजीब बात है कि हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में कुछ निश्चित तौर पर जानते हैं। डेफिनेट का मीन्स होता है निश्चित और हार्डली का मीन्स होता है मुश्किल से। लेकिन यह अजीब बात है कि हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में जानते हैं। देयर इज वन थिंग, एक यहाँ बात है सर्टेन अबाउट ह्यून, उनके बारे में एक निश्चित बात है। थिंक का मीन्स होता है चीज और थिंक का मीन्स मतलब बात भी होता है, सर्टेन मतलब निश्चित, उनके बारे में निश्चित चीज है क्या है? हाउ यूर, जबकि ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, हाउ यूर, जबकि उनको न्याय से और ज्ञान से प्रेम था, मतलब विक्रमादित्य को। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल, वह अपने लोगों को पूर्ण न्याय देते थे। परफेक्ट का मीन्स होता है पूर्ण, जस्टिस का मीन्स होता है न्याय। वह अपने लोगों को पूर्ण न्याय देते थे एंड गेदर्ड लर्निड मैन अबाउट हीम इन हिज कोर्ट, और उनके दरबार में, कोर्ट का मीन्स होता है दरबार में, उनके दरबार में विद्वान व्यक्ति इकट्ठा रहते थे। गेदर का मीन्स होता है इकट्ठा, लर्निंग मतलब विद्वान, मैन मतलब व्यक्ति आदमी, उनके दरबार में विद्वान व्यक्ति इकट्ठा हो रहते थे। इट इज सेड, यह कहा जाता है दैट कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वो इतिहास के सबसे महान जज थे। ग्रेटेस्ट का मीन्स होता है सबसे महान, जज का मतलब होता है न्यायाधीश, इन हिस्ट्री मतलब इतिहास। यह कहा जाता है कि वह इतिहास के सबसे महान न्यायाधीश थे। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी भी धोखा नहीं खाएं। डिसीव्ड का मीन्स होता है धोखा खाना, नेवर मतलब कभी नहीं, विक्रमादित्य कभी भी धोखा नहीं खाए। नॉर न ही डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, न ही वह गलत व्यक्ति के रूप में किसी को सजा दिए। पनिश का मीन्स होता है सजा देना, रॉन्ग मैन मतलब गलत व्यक्ति के रूप में, मतलब स्वयं व्यक्ति के गलत, स्वयं गलत व्यक्ति के रूप में कभी किसी को सजा नहीं दिए, मतलब ऐसी सजा नहीं दिए जो, कहने का मतलब स्वयं में उनकी गलती हो। नॉर न ही डिड ही एवर, मतलब हमेशा पनिश द रॉन्ग मैन, न ही वह गलत व्यक्ति के रूप में कभी अपने आप को किसी को सजा दिए। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, अपराधी कांपते थे वेन च, ट्रेम्बल्स का मीन्स होता है कांपना और गिल्टी का मीन्स होता है अपराधी, अपराधी कांपते थे वेन च, दे केम, वे आते थे बिफोर हिम, उनके सामने, जब उनके सामने आते थे, फार दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे दैट की हिज आइज, उनकी आँखें वुड लुक स्ट्रेट, सीधे देख लेंगी इन देयर देयर इन इन टू देयर गिल्ट, उनके सीधे अपराध को। गिल्ट का मीन्स होता है अपराध, क्योंकि अपराधी जानते थे कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को क्या कर लेगी, देख लेगी। लुक का मीन्स होता है देखना, स्ट्रेट का मीन्स होता है सीधे। एंड दोज, और वे लोग हु केम, जो आते थे टू हिम, उनके पास विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याओं के साथ, और वे लोग जो कठिन समस्याओं के साथ आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाई, हमेशा संतुष्ट हो जाते थे। बाय द वे, उस तरीके से ही सॉल्व देम, जिस तरीके से वह उनको हल करते थे। एंड और सॉल्व का मीन्स होता है हल करना, दे मतलब उन प्रश्नों को। एंड सो, ऐसा इसलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, वेन एवर, जब कभी एनी जज, कोई भी न्यायाधीश प्रनाउंस, सुनाता या घोषणा करता हिज जजमेंट, अपने न्याय को विद ग्रेट स्किल, महान कौशल के साथ। जजमेंट का मीन्स होता है न्याय और ग्रेट स्किल मतलब महान कौशल, स्किल का मतलब होता है गुण, कौशल का मतलब है। इट वॉज सेड ऑफ हिम, उसके बारे में यह कहा जाता आ अरे ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वो अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। सेट का मीन्स होता है थर्ड फॉर्म है, सीट का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है सेट। ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर अवश्य बैठा होगा। मस्ट का मीन्स होता है बैठना। हैज एनीवन, क्या कोई एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कोई विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है। सी का मीन्स होता है देखना, उसका थर्ड फॉर्म होता है सीन, और एनीवन का मीन्स होता है किसी व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। एनीवन, क्या कोई देखा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। परहेप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज, क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, क्योंकि
सिंहासन का अस्तित्व ही नहीं, अस्तित्व का मतलब इस दुनिया में पाया जाना, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं, नहीं, एग्जिस्ट का मीन्स होता है मौजूद रहना। सिट मतलब सिंहासन, क्या, क्योंकि सिंहासन का अस्तित्व ही नहीं है। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, टेल यू आपको बताने, मैं आपको बताने जा रही हूँ। हाउ इट डिसअपीयर्ड, यह कैसे गायब हो गया, डिसअपीयर्ड का मीन्स होता है गायब होना। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद, डेथ का मीन्स होता है मृत, विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसी समय के दौरान या इसी समय के अंतराल में, कोर्स का मीन्स होता है दौरान या अंतराल, ऑफ टाइम, इसी समय के अंतराल फॉरगॉट हिम, उनको भूल गए, फॉरगेट का मीन्स होता है भूलना, उसका सेकेंड फॉर्म होता है फॉरगॉट, फॉरगॉट हिम, उसको, उनको भूल गए। हिज पैलेस, उनका महल, प्लेस का मीन्स होता है जगह स्थान, लेकिन ये पैलेस है, हिज पैलेस, उनका महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, उनके छोटे किले व रूइंग, बर्बाद हो गए थे। द हीप्ड अप रूइंस, और बर्बाद हुआ जगह खंडहर में चेंज हुआ, हीप अप का मीन्स होता है खंडहर, रूइंस का मतलब बर्बाद, और बर्बाद हुआ जगह खंडहर में बदल गया। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, और यह किससे ढक गया, कवर्ड का मीन्स होता है ढक गया, विद ग्रास मतलब घास से, यह घासों से ढक गया, डस्ट धूल से ढक गया, एंड ट्रीज पेड़ों से ढक गया। वट टर्न्ड इनटू अ पास्चर, और यह बदल गया चारागाह में, पास्चर का मीन्स होता है चारागाह, टर्न का मतलब होता है बदलना, और यह चारागाह में बदल गया। फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को चरने के लिए, मतलब यह चारागाह में बदल गया जिससे कि पशु वहाँ चरने लगे, फीडिंग का मीन्स होता है खिल चरना, कैटल मतलब पशु, पशु चरने लगे। द विलेजेज, विलेज पीपल, गांव के लोग यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास टू ग्रेज, गांव के लोग देयर काउज, अपने गायों को या पशुओं को सेंड ले जाया करते थे दीज पास, इन चारागाहों में, टू ग्रेज चराने के लिए, गांव के लोग अपने पशुओं को चराने के लिए इन चारागाहों में क्या करते थे, ले जाते थे। पास्चर का मीन्स होता है चारागाह, ग्रेज का मीन्स होता है चराना। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, अर्ली का मीन्स होता है जल्दी, मॉर्निंग का मीन्स होता है सुबह, सुबह जल्दी ही द कैटल, पशु वुड गो, चले जाते थे इन केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, चरवाहों की देख रेख में, चरवाहों लड़कों की देख रेख में, केयर का मीन्स होता है देख रेख, और शेफर्ड बॉय मतलब होता है चरवाहा लड़का। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम को देर से लौटते थे, रिटर्न मतलब लौटते थे, टिल लेट देर तक, इन द इवनिंग मतलब शाम को देर से लौटते। वेन जब इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब वो लौटने का समय होता था, अ शेफर्ड बॉय, एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ पास्चर, एज का मीन्स होता है किनारे, ऑफ द पास्चर मतलब चरागाह, चरागाह के किनारे से बुलाता। एंड ऑल द कैटल, और सभी पशु, एलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड, अपने चरवाहों के साथ, उड गेदर राउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, गेदर का मीन्स होता है इकट्ठा होना, हिम मतलब उसके, मतलब प्रत्येक पशु अपने चरवाहों के साथ इकट्ठा हो जाते थे। एंड टूगेदर, और साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्क, और वे घर की तरफ, होमवर्क्स घर की तरफ चल देते थे, टर्न का मीन्स होता है मुड़ना, होमवर्क मतलब घर की, घर, और वे घर की तरफ मुड़ जाते थे।